Hello students, welcome to Easy Biology Tutorials. So today we are going to start with the next part of the organism and population. And basically in this we are going to deal with the populations part. Let us start. So students, first of all, let us deal with the definition of population, that what basically population means. A population is a group of individuals of same species that live in a given geographical area. ठीक है, कोई भी group of individuals जो एक जगह पे रह रहा है, that share or compete for similar resources and potentially reproduce, and they are able to reproduce potentially. ठीक है, yes. Example, all the cormorants in a wetland, rats in an abundant dwelling, teakwood trees in a forest tract, bacteria in a culture plate, and lotus plants in a pond. So these all are populations. Population ecology is an important area of ecology as it links ecology to a population genetics and evolution. ठीक है, so population ecology basically biotics and abiotic factors के relation के बारे में, whatever the population, जो भी population exhibit कर रही है उसके बारे में study करता है. So populations के पहले populations में सबसे पहले तो होता है एक birth rate, then next we are having the death rates, then we are having the sex ratios, then we are having the age pyramids, and then we are having the population densities. कि एक place के ऊपर कितनी population density है. So एक एक करके इन सभी attributes के बारे में पढ़ते हैं, so that we are able to deal with it in detail. Yes. So students, सबसे पहले we are having the birth rate. तो बर्थ रेट के अंदर क्या होता है, इट रेफर्स टू पर कैपिटा बर्थ्स. एग्जांपल, इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड, सो द करंट पॉपुलेशन इज 28 एंड द बर्थ रेट इज 8 बाय 20 इज 0.4 ऑफ स्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर. ठीक है, बर्थ रेट बेसिकली क्या हो गया, 8 नंबर से इंक्रीज कर गया, लेकिन व्हाट वी हैव टू टेल पर ऑर्गेनिज्म पर ईयर, कितने टाइम में कौन सा ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है. नेक्स्ट वी आर हैविंग द डेथ रेट, इट रेफर्स टू पर कैपिटा डेथ्स. फॉर एग्जांपल, 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज died during a week. ठीक है, तो ये मर गए. ठीक है, hence the death rate is 4/40 is 0.1 individual per fruit fly per week. ठीक है, एक वीक के अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं पर इंडिविजुअल पर टाइम. ठीक है, नेक्स्ट यू आर हैविंग द सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो का आपको मतलब पता है कि कितने मेल्स, मतलब कि अगर हम 10 ऑर्गेनिजम्स ले रहे हैं, 10 में से कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं. अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो, 60% ऑफ पॉपुलेशन इज फीमेल, 40% इज मेल्स. तो स्टूडेंट्स जनरली ऐसे ही होता है, लेकिन ह्यूमंस के केस में ये क्या है, ये उल्टा है. ह्यूमंस के केस में इंडिया में जो मेल्स की पॉपुलेशन है दैट इज मोर, फीमेल की पॉपुलेशन दैट इज लेस. इवेंचुअली क्या होगा, धीरे धीरे अगर फीमेल्स की पॉपुलेशन और भी ज्यादा कम होगी तो बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, इवेंचुअली द पॉपुलेशन वुड डाई. नाउ वी आर हैविंग द एज पिरामिड. व्हाट इज द एज पिरामिड. पिरामिड इट इज द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड for the population. This is known as the age pyramid. For human population, age pyramids generally show age distribution of males and
females in a combined diagram. तो देखो ये expanding growth है, मतलब pre reproductive जो organisms हैं वो ज्यादा है and post reproductive organisms मतलब बूढ़े लोग जो हैं वो कम है, जवान लोग हैं वो ज्यादा है, तो reproduction ज्यादा होने वाली है, तो ये population क्या करेगी, of course expand करेगी, मतलब ये इसका number और भी ज्यादा बढ़ेगा. ठीक है, stable population is when pre reproductive and reproductive people are equal in number, तो उसको हम स्टेबल मानते हैं. एंड डिक्लाइनिंग का मतलब है कि जब रिप्रोडक्टिव से प्री रिप्रोडक्टिव वाले क्या होते हैं, कम होते हैं. मतलब व्हाट वुड हैपन इन द फर्स्ट केस, जो पॉपुलेशन का साइज है वो बढ़ेगा, सेकंड केस के अंदर ना बढ़ेगा ना घटेगा, थर्ड केस के अंदर इट वुड डिक्लाइन. डिक्लाइन मतलब ये छोटा होगा. Now we are having population size and population density. So what is that? It is the number of individuals or species per unit area or volume. For example, population density of Siberian cranes at Bharatpur wetlands in any year is less than 10. It is millions for Chlamydomonas in a pond. ठीक है, सो दिस इज द केस. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, कि मुझे एक स्क्वायर मीटर के अंदर या एक किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने उस स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं. तो इसी अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, की जो चाइना है, चाइना की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, तो चाइना के पास जो स्पेस है वो भी ज्यादा है. जैसे ये वही चीज हो गई कि एक कमरे के अंदर 8 लोग रह रहे हैं या एक कमरे के अंदर 10 लोग रह रहे हैं, बट ऑफ कोर्स द रूम साइज इज आल्सो काउंटेड. अगर एक हॉल के अंदर 10 लोग रह रहे हैं सो यू कैन नॉट से दैट दैट इज अ रूम, लेकिन अगर छोटे से रूम के अंदर 10 लोग रह रहे हैं देन यू हैव टू से दैट दैट इज रूम. उस 10 रूम्स की छोटे से रूम के अंदर जो 10 लोग रह रहे हैं उनका जो पॉपुलेशन साइज है दैट इज मच मच मोर इन कंपैरिजन टू द अदर. सो यस, दिस इज द केस. नेक्स्ट वी आर हैविंग पॉपुलेशन साइज इज आल्सो मेजर्ड इन परसेंट कवर और बायोमास. फॉर एग्जांपल इन एन एरिया 200 parthenium plants and huge banyan tree are seen. ठीक है? In such case, measuring percentage cover or biomass is meaningful to show the importance of the banyan tree. अगर वो मतलब कि कोई भी species का size बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम number को गिनने के बजाय क्या कर सकते हैं, biomass का count कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या इन्होंने यही चीज लिखी है दैट पॉपुलेशन साइज इज आल्सो मेजर्ड इन परसेंट कवर और बायोमास, कि बायोमास कितना है, क्योंकि नंबर के अंदर तो वो कम होंगे लेकिन बायोमास के अंदर दे वुड बी मोर. ठीक है, सो हमने अभी बर्थ रेट देख लिया, सेक्स रेशियो देख लिया, डेथ रेट देख लिया एंड पॉपुलेशन साइज देख लिया. टोटल नंबर इज डिफिकल्ट मेजर फॉर ह्यूज पॉपुलेशन. In such case, relative population density is known. Without knowing the absolute population density is used. For example, the number of fish caught per trap indicates its total population density in the lake. अगर suppose कीजिए कि मेरे पास एक okay, let us talk about the birds. मैं birds को trap कर रही हूँ. तो मेरे पास moreover 10 में से 8 जो हैं वो pigeons trap हुए हैं. एंड एक पैरट ट्रैप हुआ एंड एक कोई और टाइप की बर्ड ट्रैप हुई. सो व्हाट इज दैट टेलिंग, दैट इज टेलिंग कि जो पिजन्स का रेट है दैट इज कंपैरेटिवली मच मच मोर इन कंपैरिजन टू द अदर बर्ड्स लाइक पैरट एंड द थर्ड बर्ड. ऑल्सो स्टूडेंट्स इन सम केसेस इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन साइज इज परफॉर्म्ड. For example, the tiger census in the national park and the tiger reserves based on the pug marks and the facial pellets. ठीक है, तो हमें जब facial pellets से पता चल जाएगा अगर हम किसी forest के अंदर देख रहे हैं, we can see अगर हम किसी को direct count नहीं कर सकते but we can count them on the base of their pug marks, है ना, या फिर on the base of their feces, क्योंकि tiger को count करेंगे तो risk है लेकिन उसकी
फेसेस के अकॉर्डिंग हम उसको फीसिस फेशियल पैलेट्स हमें पता चल जाएगा ये क्या, क्योंकि जो भी जुअलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने इन चीजों के ऊपर पढ़ाई की होती है डिटेल के अंदर, तो उनको पता चल जाता है कि किसके फिशेस हैं, तो उससे हमें पॉपुलेशन डेंसिटी का पता चल जाएगा. इफ सपोज आई फाउंड 1 किलो ऑफ टाइगर फीसेस, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे बहुत ज्यादा टाइगर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि जो पुराने फीसेस हैं वो तो डिकम्पोज हो जाएंगे. जो मेरे पास फीसेस मिलेंगे दे विल बी 2 or 3 days ओल्डर. Yes, next we are having the population growth. The population size changes depending upon the factors like food availability, predation, pressure, and weather. The changes in the population density give some idea about the population, that is whether it is flourishing or declining. ठीक है, तो suppose करो कि मैं बात करती हूँ कि मैं किसी रास्ते के अंदर जा रही हूँ, दैट इज आई एम गोइंग फ्रॉम बठिंडा टू मानसा. मैं बठिंडा से मानसा की तरफ जा रही हूँ. वहां पे आई सॉ दैट देयर आर, पहले जब मैं बचपन में थी आई सॉ दैट पहले बहुत ज्यादा पिग्स होती थी वहां पे, बट नाउ द पिग्स आर नॉट फाउंड. तो व्हाट दैट इंडिकेट, दैट इंडिकेट्स दैट द पॉपुलेशन ऑफ पिग्स इज डिक्लाइनिंग विद टाइम. These are the attributes. हमें डेंसिटी से पता चल जाता है कि कोई भी पॉपुलेशन है इट इज एक्सपैंडिंग और इज इट डिक्लाइनिंग. जैसे हमें पहले हर जगह पे गार्डन्स के अंदर, पार्क्स के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, कहीं पे भी हम देखेंगे तो हमें बहुत सारी बर्ड्स देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल बर्ड्स देखने को नहीं मिलती. बहुत कम बर्ड्स होती हैं जो मतलब रेयर बर्ड्स हैं, जो मतलब लाइक पिजन हो गए या फिर बहुत कॉमनली अकरिंग बर्ड्स ही हैं. कोई रेयर स्पीशीज हमें नहीं दिख रही हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आर बीइंग एक्सटिंक्ट. स्टूडेंट्स हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हर रोज अगर आप न्यूज सुनोगे, न्यूज पेपर देखोगे, बायोलॉजिकल न्यूज पढ़ोगे, तो आपको हर रोज एक नए स्पीशीज ऑफ बर्ड्स का एक्सटिंक्ट होने का मैसेज मिलेगा. वाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक रेडिएशन इन द इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अदर रेडिएशन इन द रेडियो एक्टिव रेडिएशन इन द इन्वायरमेंट, दैट इज लीडिंग टू डेथ ऑफ द बर्ड्स इन एनॉर्मस अमाउंट, एंड ऑफकोर्स दैट इज वेरी वेरी सैड. हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अगर इवेंचुअली बहुत सारी बर्ड्स स्पीशीज जिस रेट से वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, अल्टीमेटली हमारे खाने के अंदर वर्म्स का अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा, बिकॉज एवरी स्पीशीज इज हैविंग अ नीश हमारे एनवायरनमेंट के अंदर. हमारे भी जहां पे भी हम प्रेजेंट हैं वहां पे इवेंचुअली वी आर हैविंग importance of every organism. So in any case, अगर कोई भी species of birds या animals extinct हो रही हैं, they are affecting us indirectly or directly in some situation. Okay? तो चलिए अब हम 4 processes के बारे में पढ़ते हैं that fluctuate the population density. First of all is natality, that is B. अगर कोई फॉर्मूला लिखना है, कोई सम लिखना है, उसमें नेटलिटी का नेटलिटी को कैसे इंडिकेट करेंगे विद द अल्फाबेट बी. इट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड. नेक्स्ट वी आर हैविंग द मोर्टिलिटी. मोर्टिलिटी को हम डी से इंडिकेट करेंगे. इट इज द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. देन वी हैव टू इंडिकेट द इमिग्रेशन. इमिग्रेशन इज द number of individuals of the same species that have to come into the habitat from elsewhere during a given time period. जैसे पंजाब से लोग कनाडा में जा रहे हैं, so that is immigration to Canada. कनाडा वाले उसको क्या बोलेंगे? Immigration बोलेंगे. लेकिन हम पंजाब वाले क्या बोलेंगे? उसको e-migration बोलेंगे. ठीक है, so B D I E, ये हमारे पास 4 terms हैं that are basically affecting the population डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज. सो ये चीजें हैं जो हमारी पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रही हैं. यस, नेक्स्ट वी आर हैविंग द पॉपुलेशन ग्रोथ. नेटलिटी एंड इमिग्रेशन इंक्रीजेस द
population density and mortality, and immigration decrease the population density. So if n is the population density at a time t, then its density at time t plus 1 is n t plus 1 is equals to n t plus b plus 1 minus d plus e. So this is the formula of population growth. So you can indicate b as the natality, birth rate, d as the death rate, I as the immigration, e as the emigration. तो किसी भी एरिया की पॉपुलेशन का कैसे पता लगाया जा सकता है? पहले, अगर पहले का हमारे पास नंबर है, जैसे 2000, I'm having 2000 organisms, 2000 organisms में 100 died, born, 20 emigrated, 70 immigrated. मेरे पास eventually क्या आएगा? जो होगा, that would be 2000 plus 150 plus 70, 150 plus 70 minus 20 plus 100. Eventual मेरे पास क्या निकलेगा? पहले क्या थे? 2000 species थे, 2000 number of organisms थे एक population के अंदर, अब कितने हो गए? 2100. तो the population size increased by 100. ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि birth rate अगर और immigration का rate अगर ज्यादा होगा तो एक place के अंदर उसकी जो density है वो बढ़ जाएगी, otherwise it will become less, otherwise it will decrease. So these are the attributions of the population that we are having. Next is, under the normal conditions, birth and death are important factors that are influencing the population density. Of course, birth and death rate ki tarha, immigration and emigration are also having the importance, but they are only having the importance under special conditions. For example, for a colonizing new habitat, immigration may be more significant to a population growth than the birth rates. So this is the thing. Next, we are having the growth models. So students, growth can be exponential. Okay? It depends upon the resources that we are having. Resources, that is food and space, are essential for unimpeded population growth. If the resources are unlimited, each species show its full innate potential to grow in number, then the population grows in an exponential or geometric fashion. Students, agar aapke paas bahut sare paise hain, to aap sab kuch karoge. अपनी नीड्स भी पूरी करोगे, अपनी डिजायर्स भी पूरी करोगे. इवेंचुअली अगर आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो यू वुड ओनली लिमिट अप टू अ नीड्स. ठीक है, वैसे ही हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं कि कोई भी पॉपुलेशन है, उनको तो नहीं पता ना
उनको बर्थ कंट्रोल फैक्टर्स यूज करने हैं, कुछ भी यूज करने हैं जिससे वो क्या कर सके, लिमिट हो सके. नो, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिसोर्सेज मिलते हैं तो वो क्या करता है, ग्रो करता है, पूरे पोटेंशियल के साथ ग्रो करता है. अगर एक ऑर्गेनिज्म 10 बच्चों को जन्म दे सकता है तो वह 10 बच्चों को जन्म देता है जिससे उनका रेट इंक्रीज होता है. इफ पॉपुलेशन साइज इज इन, द बर्थ रेट इज बी, द डेथ रेट इज डी, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज ड्यूरिंग अ यूनिट पीरियड टाइम विल बी dn by dt is equals to b minus d into n. ठीक है, तो पॉपुलेशन हमारे पास साइज कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन नंबर. सो ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या करती है, बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है. नेक्स्ट वी आर हैविंग द लॉजिस्टिक ग्रोथ. The R is the intrinsic rate of natural increase. It is an important parameter for assessing impact of any biotic or abiotic factor on the population growth. ठीक है, तो R क्या करता है, basically intrinsic factor होता है जो क्या, मतलब कुछ भी हो सकता है, resources का number हो सकता है, water, temperature, availability, कुछ भी हो सकता है जो eventually क्या कर रहा है, हमारी growth को effect कर रहा है. For example, Norway rat. Norway rat की value क्या है, 0.015. फ्लोर बीटल की वैल्यू क्या है, 0.12. एंड ह्यूमन पॉपुलेशन की वैल्यू क्या है, 0.0205. सो दिस इज द ग्रोथ जो इंट्रिंसिक फैक्टर है दैट. ये अगर वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न. नेक्स्ट इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन इज Nt इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी. Nt is equals to population density after time t, n naught is population density at time zero, r is the intrinsic rate of natural increase, e is the base of natural logarithms. ठीक है, yes. Next type of growth is we are having the logistic growth. If there is no population, देखो पहली बात तो exponential कोई भी population हो ही नहीं सकती है, इसीलिए जो next growth model है हमारा, next growth curve है, that is of logistic growth. Eventually students, ज्यादा population होगी तो it will lead in कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन के अंदर एक बंदा जीतता है, बाकी सब हारते हैं, तो फिटेस्ट सर्वाइव करेगा, बाकी सब क्या कर जाएंगे, हार जाएंगे. इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल एंड दिस इज कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी और वी कैन इंडिकेट इट एज के. ठीक है, सो के इज द कैरिंग कैपेसिटी of an organism to grow. A population where the limited resources show initially lag phase, phases of acceleration and deceleration and finally an asymptote. This type of population is called Verloc's pear logistic growth. पहले population grow करेगी, ग्रो करती रहेगी करती रहेगी, फिर क्या हो जाएगी, इवेंचुअली इट विल बिकम स्टेबल. ठीक है, बर्थ रेट इज इक्वल्स टू डेथ रेट. पहले ग्रो करेगी, हो सकता है ग्रोथ से ऊपर भी हो जाए, डेथ रेट कम करके इवेंचुअली इट विल बिकम स्टेबल. जो पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज डिस्क्राइब्ड एज dn बाय dt इज इक्वल टू rn k माइनस n बाय k. तो k क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है. किसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बायोम, ऑफ एनवायरमेंट और ऑफ अ सराउंडिंग, जहां पे भी कोई पॉपुलेशन है या कॉम्युनिटी है जो रह रही है. सो दिस इज द केस.
सो नेक्स्ट केस के अंदर इट इज एक्सप्लेन दैट फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ आर लिमिटेड सो लॉजिस्टिक मॉडल इज मोर रियलिस्टिक. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे. आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है. सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड हैव अ नाइस डे. सो आज की क्लास के अंदर हमने किया पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन डेंसिटी इन डिटेल, टाइप्स ऑफ growth. Okay students, so that was all about today's class. Thank you students and have a nice day. Hi.